क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम हम कर रहे हैं मस्ती। कौन सी मस्ती? घूमने वाली मस्ती। क्यों आयो तुम यहाँ ऐसे घूमने? घर में काम नहीं तुम्हारे? नहीं है कुछ काम। तो ये है नजारा यहाँ का। हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का द एक्सप्लोर वर्ल्ड पर। तो आप सब मुझे तो जानते ही हो, मैं अनिल की भाभी हूँ। तो मैं अपने मायके आई हूँ, मुझे 2-3 दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। तो मैं अभी फिलहाल इवनिंग वॉक पे अपने पति के साथ घूमने आई हूँ। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, यहाँ पे शाम के टाइम कैसा दिखता है यहाँ का व्यू वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, अभी यहाँ उतनी गर्मी नहीं है और ना ही ज़्यादा ठंड है, मतलब यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं अभी घूमने आई हूँ और वो आगे निकल चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अपना गांव। तो मैं अभी घूमने निकली हूँ अपने गांव में, थोड़ा रोड में, कि यहाँ का व्यू कैसा है। बहुत टाइम के बाद मैं अपने मायके में आई हूँ, कम से कम। वैसे तो मैं और बार भी आती हूँ, पर इस बार बहुत से दिनों के लिए आई हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ का व्यू कैसा है, और ये दिखाऊँगी मेरा गाँव कैसा देखने में है। तो आप सब ज़रूर देखते रहो। तो आप सब देखो, यहाँ पे हमारे गांव में पक्की सड़क तो है नहीं, तो ये कुछ ऐसा है, कच्चा रोड है। तो यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से है। यहाँ बंदर थाना और उस साइड खरगा बोलते हैं। यहाँ से ऊपर आप देख सकते हो मेरा गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से है। तो आप वहाँ देख सकते हो वो मेरे पतिदेव, इन्हें तो आप जानते ही हो, ये भी यहाँ घूम रहे हैं, मैं इन्हें घुमाने लाई थी। तो गाइज, हम दोनों घूमने आए हैं इवनिंग वॉक करने। तो इन्होंने मैं दिखा दी अपना गांव, पर इन्होंने देखा नहीं है, मैंने नहीं देखा, इसीलिए मैं इनको दिखाने आई हूँ यहाँ का रोड, यहाँ क्या क्या है देखने। वैसे तो यहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं है देखने के लिए, बस एक छोटा सा गाँव है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी चलती है, बस यही है। और ज्यादा कुछ और जगह क्या चलती? वैसे तो और जगह भी चलती होगी, ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ कुछ ज्यादा अच्छी चलती है इसीलिए। तो गाइस, ये है मेरा गांव, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर ये कुछ देखने में इस तरह से है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लावरिंग आ चुकी है, और यहाँ पे हरी हरी घास भी उग चुकी है। यहाँ का व्यू देखने में शाम के टाइम बहुत सुंदर लगता है। मेरा घर तो यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से। तो ये देखने में कुछ ऐसा है, वो साथ में मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो गाइस, मैं अब अपने गांव में पहुंचने वाली हूँ, हम घूम के वापस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ढाटू लगा लिया है, क्योंकि गांव में मैक्स ढाटू पहनना ज़रूरी है, शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी। तो देखो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलू की फसल होती है। तो यहाँ पे देखो हर जगह आपको आलू ही आलू मिलेंगे, और देखो यहाँ की लोग कितनी मेहनत है कि अभी भी शाम के कम से कम टाइम 6 तो बज चुके हैं, तो अभी भी वो खेत में ही काम कर रहे हैं। रोज़ इतना बहुत लंबा सा घास दिख रहा है, वो लहसुन है, और साथ में ये मैक्सिमम ज़्यादातर यहाँ पे लोग आलू बेचते हैं। तो आप देख सकते हो ये है सेब के पौधे, और इसमें ये चूना लगाया हुआ है। देख सकते हो इसमें यहाँ क्लियरिटी कुछ इस प्रकार से, ये हमारे ही खेत है सारे। तो हम पहुँच चुके हैं, और ये है मेरे चाचू का घर, और आप देख सकते हो जो वहाँ बैठे हो मेरे चाचू। और मैं दिखाऊंगी इन, मेरी दादी अभी शॉप में है, मेरी दादी के लिए मेरे चाचू ने शॉप खोली हुई है, ताकि वो पूरे दिन भर बोर ना हो। तो आप देखते हैं यहाँ पे रोड कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी अच्छे से चलती हैं। तो देखो गाइस, ये दोनों कुछ इस प्रकार से, इसको प्यार से घर में मुन्ना बोलते हैं। इसको देखो खेलना ही नहीं आ रहा है, और बोल रहा है मैं चैम्पियन हूँ, और ये कोई चैंपियन तो है नहीं, इसको खेलना तो आता नहीं, चल रहा है जी खेलने फालतू का। तो
तो गाइज आप देख सकते हो ये दोनों किस प्रकार से यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये है मेरे चाचू की शॉप और जो अभी बैठे हैं अंदर, तो ये दादी के लिए खुली है शॉप क्योंकि दिन भर बहुत बोर हो जाते हैं, तो ये इनके लिए शॉप खोली गई है। तो ये खेल रहे हैं अभी, देख सकते हो आप, ये हमारा बगीचा कुछ इस प्रकार से। और साथ में मैं अब घर जा रही हूँ, ये लोग अभी खेल रहे हैं, अब मैं घर जा रही हूँ। ये लोग तो यहीं खेल रहे हैं, मैंने इनको बोला कि आप बाद में आना, मैं जाती हूँ क्योंकि अब शाम के खाने बनाने की तैयारी भी तो करनी पड़ती है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मेरे घर जाने के लिए रास्ता, रोड से कितना दूर है, वैसे तो ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो आप देख सकते हो ये मेरे घर जाने के लिए रास्ता कुछ ऐसा। तो मुझे रास्ते में कुछ लोग मिले, वो रिलेटिव ही है यहीं दूसरे गाँव से, गौरा से, तो वो मुझे मिले, तो फिर मैंने उनको नमस्ते की और मैं घर जा रही हूँ। भाई गाइस आप देख सकते हो मैं अपने गांव पहुँच चुकी हूँ, हम घर जा रहे हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैक्सिमम लोगों ने आलू लगाए हैं, वो देखो इसमें हरे हरे पत्ते भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो घर जाने के लिए कुछ रास्ते इस प्रकार से हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम घर बहुत क्लोज मतलब घर बहुत नज़दीक है, दूर नहीं है। मेरे ससुराल में तो एक घर यहाँ एक घर वहाँ, बहुत दूर है। आप देख सकते हो ये मेरे छोटे दादाजी का घर है, आप देख सकते हो ये है जी। तो गाइस मैं अब घूम के अपने घर पहुँच चुके हूँ। तो आप देख सकते हो मम्मी शाम की लिए चटनी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अखरोट तोड़ रहे हैं। और ये देखो शब्बू, आपने इसको होली वाले ब्लॉग में तो देखा ही होगा इसकी क्या हालत की थी, हमने मम्मी अखरोट तोड़ रहे हैं और पापा भी पहुंच चुके हैं। तो गाइज मैंने आपको अपना गांव का व्यू तो दिखाई दिया है, तो मैं घूम के अब घर में पहुंच चुकी हूँ। तो अब शाम के खाना बनाने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।